थैंक यू प्रोफेसर चंद्रो ऑफ मैनी और ऐसा आमतौर पर टीचर तब करता है जो प्रिपेयर होके नहीं आता है जब आप क्लास के लिए प्रिपेयर होके नहीं हो तो आज क्लास में आगे कहते हैं टेस्ट होगा अब बच्चा संकट में एक बार एक किसी ने अपने अनुभव में कहा कि एक बार ऐसे ही एक टीचर आए और उन्होंने अचानक से कहा कि भई आज टेस्ट होगा सरप्राइज टेस्ट टेस्ट होता है तो भगदड़ मच गई पूरी क्लास में हर बच्चा अच्छे बच्चे के बगल में बैठने के चक्कर में पड़ गया और दो चार पाँच मिनट बाद जब क्लास सेटल हुई तो जिस महोदय की घटना मैं बता रहा हूँ वो कौन थे सरदार जी पंजाब वाले जो इंजीनियर थे मैं नाम बोल रहा हूँ अभी जिनका वो पाँच पाँच मिनट का दूरदर्शन पे जसपाल भट्टी. भट्टी तो जसपाल भट्टी ने कहा कि जब मैं जब क्लास सेटल हुई तो मैंने देखा मेरे बगल में नियत कमज़ोर बच्चा बैठा हुआ है तो कहे मैंने सोचा ठीक है फिर ये जिसको ट्रू लिखेगा उसको हम फॉल्स लिख देंगे क्योंकि उसका फेल होना तय है उसको नहीं आता है क्या फाइनली वो दस में से चार नंबर पाए मैं छह नंबर पा गया तो ऐसा ही एक टेस्ट आज चंद्रा साहब ने मेरा लिया इन्होंने वी बिजी विद द प्रिपरेशन ऑफ द इवनिंग तो ये अचानक से इन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है वो एक कैंपस पोइट्री है उसमें आपको चलना है तो हमने कहा ये मेरी विधा नहीं है तो क्या नहीं आप सिर्फ चलिए तो हमने कहा आप चलें और ऐसे ऐसे विद्वान लोग मुझे बताया गया कि सिक्स ऑफ आर फैकल्टी मेम्बर्स ऑल्सो रेड द पोएट्रीज रिसाइटेड द पोएट्रीज तो इतने विद्वान लोगों के बीच में uh, मेरा विषय भी थोड़ा नीरस है और उसमें लेकिन कुछ मैं भी अपना उसी बुन में कुछ खोजा और एक कविता मैं भी आपको सुनाऊंगा लेकिन यह सशर्त इसलिए है कि आपको मालूम है जीवन के अलग अलग पड़ाव पे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कवि होता है और हम सब जब उस पड़ाव से गुजरते हैं तो उस तरह के भावों की कविता लिखते हैं तो आपको पूरा सुनना पड़ेगा यह शर्त है और मुझे मालूम है ये कठिन शर्त एक बार एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि एक सज्जन ट्रैफिक रूल को करते हुए आगे आगे जा रहे हैं तो उसने दौड़ा के उसको पकला। आगे वाला तो निकल गया पीछे वाला पकड़ गया तो कहे कि क्यों भाग रहे थे हमने रेड लाइट थी और मैंने रोका फिर भी तुम नहीं रुके तो उसने कहा अपनी कविता सुना गया मेरी सुनने एक नंबर है तो भाग रहा है तो मैं इसलिए उसको पकड़ने गया था तो आप लोग शर्त के साथ कि आप पूरी सुनेंगे मैं भी कुछ सुनाऊंगा लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बताऊं और ये प्रसंग मैंने कई जगह शेयर किया कई बार शेयर किया और वो मुझे इतना पसंद आता है कि मैं उसको और कई बार और और कई जगह शेयर करूंगा। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एक प्रोफेसर रानू उनियाल मैडम है एक बार वो मेरे पास आई हाँ, और एक पतली छोटी सी किताब उन्होंने मुझे गिफ्ट की तो आमतौर पे ऐसे बहुत लोग अपने राइटिंग्स प्रेजेंट करते हैं तो कर्सी में सामने वाले को अच्छा लगे आप वो किताब खोलते हैं थोड़ा पलटते हैं सो दैट कि आप सीरियस हैं उसके बारे में तो मैं भी ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं कर तो इसी ले रहा था इस बीच में एक पन्ना मिला जिसमें तीन लाइन की एक कविता थी तो मैं सोचा ये तीन लाइन पढ़ के तारीफ़ आरीफ थोड़ा कर देंगे तब तक चाय आ जाएगी चाय पियेंगी चली जाएंगे लेकिन वो तीन लाइन मैं पढ़ा तो फिर मैं उसको फिर पढ़ा और फिर मैं उसको फिर पढ़ा और विशेष बात ये थी कि वो तीन लाइनें आप अपने मन में दस भाव अगर हैं तो वो दस भाव दस इंटरप्रिटेशन उन तीन लाइनों का देते हैं फिर मैंने पढ़ना पलटा तो अगली कविता चार लाइन की थी और वो लाइनें भी बड़ी बड़ी नहीं किसी में तीन शब्द हैं किसी में चार शब्द हैं तो उसमें फिर वही बात आ रही तो मैंने कहा मैडम आप अंग्रेजी की छायावादी कवि लग रही हैं तो उन्होंने फिर अपने कुछ अकम्पलिशमेंट्स बताए और वो जान के मुझे लगा कि इस विश्वविद्यालय में बहुत नॉन लिटरेरी जीनियस हैं तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कविता सिर्फ इमोशंस का वर्बल कन्वर्जन नहीं है वर्ड्स में उनको भाव को कन्वर्ट करना ही कविता नहीं है बहुत बार हम लोग कन्वर्जन कर देते हैं आपकी कोई फीलिंग आती है कभी आड़नोरस है, तो अलग अलग रसों में जब आप अलग अलग भावों में होते हैं उसको रिदमिक कन्वर्जन कर दिया और हमने कहा ये साहब कविता हो गई अच्छी है वो कविता है बिल्कुल है लेकिन ये कविता प्रोफेसर रानू उनल नहीं बना सकती तो जिसको भी अवसर मिले मुझे लगता है लाइब्रेरी में होगी और नहीं होगी तो मुझसे भी मांग के पढ़ सकते हैं आप लोग पढ़िए और शब्द बहुत जटिल नहीं है लेकिन भाव बहुत गहरे हैं तो मैं तो एक सिंपल सी मेरा विषय भी दूसरा है लेकिन आ, कभी हमने भी लिखी मेरे लैपटॉप में एक ये मुझे मिल गई तो मैं इसको आपको सुना रहा हूँ और जैसा सशर्त मैंने कहा कि इसको आपको पूरा सुनना पड़ेगा एक ही पेज का है वैसे ये और एक प्रसंग और बताऊं मुझे टीचिंग की पहली नौकरी कविता सुना के मिली थी ये मैं तो इंडस्ट्री में नौकरी करता था और जब टीचिंग का पहला इंटरव्यू देने आया तो आप समझते हैं इंडस्ट्री की नौकरी सुबह सात बजे से लेकर रात के दस ग्यारह बजे तक अभी भी हालांकि हम लोग वही काम कर रहे हैं सुबह सात बजे से रात के दस ग्यारह बजे तक तो वैन आई हैड टू है इन द इंटरव्यू आई कुड नॉट प्रपेयर एनीथिंग अकेडमिकली तो और फ्रेश एम बी ए करके इंडस्ट्री में गए थे और वहीं से चले गए थे इंटरव्यू देने so, तो इंटरव्यू तो खैर जो हुआ सो हुआ फिर उन्होंने एक मुझे कहा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं तो so, मैंने कहा रीडिंग एंड राइटिंग शॉर्ट हिंदी पोइट्रीज तो उन्होंने कहा कुछ सुनाइए तो so, दिनकर जी का मैं बड़ा फैन हूँ और अभी मैंने बल्कि ऑर्डर की है संस्कृति के चार अध्याय जिसको अवसर मिले तो वो पढ़ेगा उसको तो उनकी वो पंक्तियाँ पहले मैं सुधार देता हूँ उसके बाद जो पूरा इंटरव्यू बोर्ड था उसमें दो लोग तो खड़े हो गए और बाकी लोग वाह वाह करने लगे मैं समझ गया मेरी नौकरी मिल गई और वो भाव दैट इज़ आल्सो कन्वर्शन ऑफ एन इमोशन एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन इन वंडरफुल वर्ड्स जो उम्र के एक पड़ाव पर हम सबको प्रभावित करते हैं श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी बहाते हैं और ये सत्य है समाज का लेकिन यह सत्य थोड़ा सा जटिल है इसको लिखना इसको सुनना और इसको स्वीकार करना ये तीनों समाज का एक स्याह पक्ष है और लेखनीय सत्य भी है तो ये सही है कि इसका दशमलव शून्य शून्य एक फीसद भी हम जैसे लोग तो मतलब मेरे जैसा आदमी तो नहीं लिख सकता है लेकिन ये सही है कि हम इंस्पिरेशन बहुत जगह से ड्रॉ करते हैं और बहुत सारी चीजों को देखना अपने आप में सुनना पढ़ना अपने आप में कक्षा अटेंड करने के बराबर है अब फिर वही सशर्त कविता चंद्रा साहब के विशेष आदेश पर संबंध मेरा रिलेशनशिप मैनेजमेंट सब्जेक्ट है और मैंने कई किताबें उस पर लिखीं जो कई देशों में बहुत प्रचलित हुई और लेकिन अकेडमिकली अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं तो हम लोगों ने सिंपल पहले कंसेप्शन कंसेप्शन के बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जब तक आप मैनेजमेंट में ना करिए तो कोई आपको गंभीरता से नहीं लेता तो उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाए उसके और जटिल मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाए फिर उसके एल्गोरिदम्स बनाए लेकिन रिलेशनशिप मैनेजमेंट एरिया जिस पर मैं इतने वर्षों से रिसर्च कर रहा हूं तो एक उसी संबंध रिलेशनशिप के ऊपर एक छोटी सी कविता संबंध सिर्फ स्वार्थ परता का प्रतिफल नहीं होता है प्रेम सिर्फ शरीर की प्यास मात्र नहीं है नशा सिर्फ मादक पदार्थों का ही नहीं होता है समय से बलवान भी कुछ होता है क्या वो जो कल तक जीवन का आधार स्तंभ था वो आज कुछ भी नहीं होकर रह जाता है वो सारे सुख जो कल तक बहुत लुभाते थे आज वेदना का कारक बन जाते हैं वो सारे आदर्श जो कल तक जीवन मूल्य परिभाषित करते थे आज किताबी दर्शन हो जाते हैं काल अपने साथ कितनी सारी चीजें बदल देता है क्या भविष्य भी अतीत की तरह बदला जा सकता है क्या निर्दोष वर्तमान व्यक्ति की व्यावहारिकता का मुजरिम हो सकता है क्या अंतस के भाव बदलने की चिकित्सा प्रणाली सबको उपलब्ध नहीं हो सकती है इठलाती नदी बहती हवा चहकती चिड़िया जैसे मूल शब्द कहीं खोसे गए और उनका स्थान पुस्तकालय से निकले उन शब्दों ने ले लिया जो मस्तिष्क से निकले थे मन से नहीं अतः वो मस्तिष्क तक ही पहुँचे मन तक नहीं इसीलिए इसीलिए संभवतः संवाद अधूरा रह जाता है अतार्किक अस्पष्ट अपूर्ण धन्यवाद विश्वविद्यालय के सौवें वर्ष में एक मार्मिक हृदय कुलपति पाना हम लोगों का बहुत सौभाग्य है और आज ये एक बहुत सुंदर मार्मिक रचना सुनकर शायद हम लोगों के मन में भी अब एक बार दोबारा आपको देखने की चाह पैदा हुई है कि देखें कि ये मैनेजमेंट का युवा कुलपति और कितनी तरह से हम लोगों को लुभाता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर